Assalamualaikum. तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो. आप गाइस आल द ऑसम. तो गाइस क्या हाल है सबके? मेरे सबके रिश्ते होंगे ठीक ठाक होंगे. तो गाइस आज हम नए ट्यूटोरियल के साथ हैं. इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि आप कैसे अपनी पबजी की लॉबी में तीन करेक्टर कैसे ऐड कर सकते हैं. इनफैक्ट आप तीन ही नहीं, आप बहुत सारे करेक्टर ऐड कर सकते हैं. आप जितने चाहे उतने मल्टी आप करेक्टर ऐड कर सकते हैं. हम आपको ये सिखाएंगे कैपकट से. सबसे पहले अपने कैपकट ओपन कर लेना है. कैपकट ओपन करने के बाद अपने यहाँ पे इस तरह आपका जो क्लिप होगा आपने वो यहाँ पे क्लिप को ऐड कर लेना है. ऐड करने के बाद क्लिप पे क्लिक करना है. उसकी क्लिप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जल जाना लास्ट में कॉपी होगा. यहाँ कॉपी करना है क्लिप को. उसके बाद हमें दूसरे क्लिप को यहाँ पे क्लिक करना है. उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले का. ये रहा ओवरले पे आप क्लिक करना है. आपका यहाँ क्लिप जो ओवरले में आ जाएगा. उसके बाद हमें क्लिप पे क्लिक करके होल्ड करना है. होल्ड करके आपको वीडियो को फर्स्ट में लेना है. इतना करने के बाद आपने जो ओवरले का क्लिप है उसको आपने क्लिक कर लेना है. क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कटआउट का. कटआउट का ऑप्शन चल जाना है. उसके बाद आप यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन अगर आ रहा होगा आपने यहाँ पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको बैकग्राउंड जो होगा रिमूव स्टार्ट होना हो जाएगा. आपने टिक कर देना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रिमूव बैकग्राउंड होना स्टार्ट हो गया है. अपने यहाँ पर थोड़ा ना वेट कर लेंगे. वेट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है. इसके बाद आपने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है. दूसरा अब यहाँ पे अगला करेक्टर ऐड कर लेंगे. इस तरह आप जितने मर्जी चाहे उतने मर्जी ऐड कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिप आ चुका है. ये एक और क्लिप आ चुका है. अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा क्लिप आए, आपने ये पता क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑफिस इफेक्ट डालना चाहते हैं ना, आप फर्स्ट क्लिप पे क्लिक करेंगे. उसके बाद यहाँ पे आप चलते हैं ओपेसिटी में. आप इसकी ओपेसिटी कम कर देना है. इस तरह आपका एक जो ट्रांसिशन हो गया है वो ओपी लगेगी. अब यहाँ पर आप और करेक्टर ट्राई करेंगे तो आप मेरे इस तरह दोबारा कॉपी कर लेंगे. अब इसको ओवरले में जाके आप इस तरह कर देना. आप जितने मर्जी चाहिए आप उतने मर्जी करेक्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. तो गाइस ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना. इस तरह की मजीद ट्रांसिशन के लिए ट्यूटोरियल के लिए आपने वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर आपका कोई जेन में सवाल है कि आपको ये ट्यूटोरियल चाहिए आपका कोई, वो आप मुझे कमेंट में बताना. मैं आपको इंशाल्लाह आपको ट्यूटोरियल जरूर बनाऊंगा. तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.